नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और आज हम इस क्यूब से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यूब, इसके अंदर आप अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 कुछ 12 एजेस हैं और इसके 6 फेसेस हैं। ये सारी की सारी एजेस बिल्कुल बराबर लेंथ की हैं और अगर फेसेस को भी देखें तो सारे के सारे फेसेस बिल्कुल सेम एरिया के हैं। अगर और गिने तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 कुछ 8 वर्टिसेस भी हैं। तो अब हम इस क्यूब को एक लाइट सोर्स के सामने रखेंगे। जैसे ही हम इसे एक लाइट सोर्स के सामने रखेंगे, हमें क्यूब की परछाई दिखेगी। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम उस क्यूब की परछाई और क्यूब की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइट सोर्स जिसकी वजह से क्यूब की परछाई बन रही है वो खुद कहां पर है। तो अब अगर हमें प्रकाश के स्रोत के बारे में या लाइट के सोर्स की पोजिशन के बारे में पता लगाना है तो हमें कम से कम 2 प्रकाश की रेखाएं चाहिए। हमें ये देखना है कि ये 2 प्रकाश की रेखाएं कहां मिल रही हैं। जहां भी वो मिल रही हैं वही इस प्रकाश का सोर्स होगा। हमारी पहली किरण बनाने के लिए हम ये 2 बिंदु काम में लेंगे जो कि क्यूब और उसकी परछाई के कोण हैं। और इसी तरह दूसरी किरण बनाने के लिए क्यूब के एक दूसरे कोण और उसकी परछाई को जोड़ेंगे। अब अगर हम इन 2 किरणों को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये सीधे हमारे प्रकाश के स्रोत पे जाके मिल जाती हैं और इस तरह से हम अपने प्रकाश के स्रोत का पता भी लगा सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि हमारी दोनों प्रकाश की किरणें जब पीछे की तरफ खींची गई तो सीधे प्रकाश के स्रोत पे या लाइट के सोर्स पे जाके ही मिली। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट या प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम ये माने कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है तो उसे मानते हुए हम एक वस्तु की परछाई और वस्तु का उपयोग लेते हुए प्रकाश के स्रोत का ठीक पता लगा सकते हैं। यही मानते हुए हम कागज पे चित्रकारी करते हुए परछाई भी बनाते हैं। परछाई बनाने के लिए हम प्रकाश के स्रोत से हमारी वस्तु के किसी एक एज के नोक से होते हुए एक रेखा खींचते हैं और उसे हमारे शैडो के प्लेन पे मिला देते हैं। एक और रेखा सोर्स के बेस के एज के ओ जोड़ते हुए पिछली रेखा तक ले जाते हैं और दोनों रेखाएं वहां वापस बेस पे मिला देते हैं। यही प्रक्रिया हम सारी एजेस के साथ दोहराते हैं और इसी से हमारी प्रकाश के आकार भी निर्धारित होता है। वर्षों से चित्रकार इसी तकनीक का उपयोग करते हुए बिल्कुल सटीक परछाई बनाते आ रहे हैं और इस तकनीक के पीछे उनका यही मानना है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। तो चित्रकारों के अनुभवों को माने तो ऐसा लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता होगा। तो क्या चित्रकारों के अनुभव से इस बात को मान लिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है? विज्ञान हमें इस बात की अनुमति नहीं देता। विज्ञान किसी भी तथ्य को अलग अलग तरीके से जांचने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आइए अब हम एक और गतिविधि करते हैं और यह जानते हैं कि क्या प्रकाश सच में सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। तो इस प्रयोग में चलिए ऐसा करते हैं कि हम एक बड़ा कार्डबोर्ड लेते हैं और उस पे सफेद कागज चिपका देते हैं। पहले हम एक स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींचेंगे और अब इसके एक छोर पे एक पिन लगा देंगे और दूसरे छोर पे दूसरी। अब हम एक तीसरी पिन को इन दोनों पिनों के बीच में ऐसे लगाएंगे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि तीनों एक दूसरे के ठीक पीछे दिखाई दे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि क्या ये तीसरी पिन उसी सीधी रेखा पे थी या नहीं जो हमने शुरू में खींची थी। हम इस प्रयोग को पिन को उल्टा करके माने उसके सर पे रख के भी दोहरा सकते हैं। आपको ये प्रयोग कम से कम 3 बार और करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तीसरी पिन हर बार सीधी रेखा पे ही आके बैठती है क्या। तो इस प्रयोग से भी हमें यही प्रतीत हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। पर हमें कैसे पता कि हमारी स्केल का किनारा सीधा ही है और उस किनारे की मदद से जो हमने रेखा खींची थी वह भी सीधी है? तो चलिए एक और प्रयोग करते हैं और प्रकाश की हमारी समझ को और बेहतर करते हैं। एक और इसी प्रकार का प्रयोग करने के लिए हम एक लेजर का उपयोग करेंगे।
एक बार फिर हम एक कागज पे एक सीधी रेखा खींचेंगे और उस रेखा के एक छोर पे लेजर और दूसरे छोर पे एक पर्दा रख देंगे। इस बार ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी रेखा सीधी है, हम एक धागे को इन दोनों छोरों के बीच में दो पिनों की मदद से कस के बांध देंगे। अगर हमारी रेखा धागे के समानांतर है तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि हमारी रेखा सीधी ही है। अब जब हम लेजर को चालू करते हैं तो पाते हैं कि लेजर का प्रकाश पर्दे के ठीक वहीं पड़ता है जहां वो सीधी रेखा पर्दे से मिलती है। इसे और अच्छे से देखने के लिए हम थोड़ा चौक का चूरा हवा में फैला देंगे और पाएंगे कि लेजर की प्रकाश किरण अब हमें हवा में भी दिखने लगेगी और ये बिल्कुल हमारी कागज की सीधी रेखा के समानांतर दिखेगी। अगर आपको ये लेजर का प्रकाश बिंदु जो पर्दे पे पड़ रहा है उसे बाधित करना है तो आपको एक छोटा व्यवधान उसी रेखा पे रखना होगा जो हमने कागज पे बनाई थी। तो एक बार फिर हमारे प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं वो अनेक घुमावदार किरणों का समूह है। दूर से हमें इन किरणों का घुमाव दिखता ही नहीं है और ये किरणें सीधी ही दिखाई देती हैं। पर अभी तक हमारे अनुभवों से हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जिससे हमें ये प्रतीत हो कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता। तो हमारे आज तक के अनुभवों से हम यही कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। जाने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। क्या आप हमें यह समझा सकते हैं कि हमारी पिनों वाले प्रयोग से हमने यह कैसे सिद्ध किया कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है? क्या हम उस प्रयोग को 3 पिनों की बजाय 2 पिनों से कर सकते थे? हम आशा करते हैं कि आप हमारे इन सवालों के बारे में सोचेंगे और हमसे अपने उत्तर जरूर साझा करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ ऐसे और प्रयोग लेकर आएंगे जो हमारी हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। विज्ञान में हम हमेशा हमारी हाइपोथेसिस को गलत साबित करने का ही प्रयास करते हैं।